नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति अपने गार्डन में आपका वेलकम करती हूँ। सुबह सुबह का वक्त है और आपको मैं बता रही हूँ, जो हमने टोमेटो के प्लांट्स लगाए थे उसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए आप, बहुत सारे टमाटर इसमें आने वाले हैं। इसके लिए अभी थोड़ी जो टहनियाँ हैं इसकी, आप ये देखिए पूरी झुक रही है, तो बहुत सारी फ्लावरिंग आ रही है इसमें, बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं अब इसमें थोड़ा सपोर्टिंग के लिए ये लगा रही हूँ। आप देखिए, ये मैंने इसमें ये जो डंडियाँ हैं लकड़ी की, इसको मैंने तीन साइड से लगाया है। अब इसको मैं यहाँ से बांध के और फिर पूरा इसको सपोर्ट दूंगी, ताकि इसमें जब फ्रूट्स लगेंगे तो उसके वेट से, वजन से हमारी जो ये ब्रांचेज हैं ये नीचे झुक ना जाएं, शाखाएं टूट ना जाएं। इसके लिए सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं थोड़े दिन आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी तो सपोर्ट नहीं दे पाई इसे, इसलिए मैं अब इसे सपोर्ट दे रही हूँ। देखिए आप कैसे इसको सपोर्ट के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अभी इसमें मैंने गुड़ाई करके खाद भी देनी है, क्योंकि आप खाद उस समय दीजिए जब इसमें फ्लावर्स आ रहे हों। इस समय इसको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इस समय आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे टमाटर के प्लांट में बहुत सारे टमाटर आ गए हैं। कितने प्यारे टोमेटो लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। अभी इनको रेड होने में टाइम लगेगा। इसमें कुछ लीफ जो है सूख रही है, उसे भी मैं हटाऊंगी। जब आपकी फ्रूटिंग होती है तब पत्तियाँ आपकी थोड़ी बहुत सूखने भी लग जाती है, तो इनको आप हटा दीजिए। और ये देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल टोमेटो है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, हरे हरे। अब इस समय भी आप इनको हर 15 दिन के बाद खाद दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कीजिए।